भी आविष्कार होते हैं या कोई परिवर्तन होता है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। आप उसके साथ ही उसे स्वीकार भी करते हैं। और राजनीति में जब भी प्रयोग होते हैं तो राजनीति में प्रयोग के अलग अलग मायने भले ही आप निकाल लें, लेकिन उसके भी दोनों पहलू हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अब दोनों पहलुओं में से आपको सामंजस्य कैसे बिठाना है ये नीतीश कुमार जी बेहतर ढंग से जानते हैं। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से अपने सर से कुछ भार उतार करके अपने सबसे परम प्रिय सेकंड इन कमांड आरसीपी सिंह को दे दिए हैं। अब आरसीपी सिंह फर्स्ट इन कमांड हो गए हैं। पार्टी में आरसीपी सिंह का बड़ा कद हो गया है और इस कद के बढ़ने के साथ ही कई तरह की बातें भी अब सामने आने लगी हैं। पहली बात तो ये कि क्या राजनीतिक दल में गैर राजनीतिक व्यक्ति को जो मात्र 10-12 साल से राजनीति की पाठशाला में प्रवेश किया हो उसे इतना बड़ा पद दे दिया जाए जिससे कि वो पार्टी को बेहतर ढंग से चला पाए। संगठनिक रूप से आरसीपी सिंह का एक बड़ा कद रहा है। संगठन देखने का जिम्मेवारी उन्हीं के पास था। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और संगठन को जमीन से लेकर के मतलब पंचायत स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक पहुंचाया है, ये उनको भाव मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। मात्र 10 साल में वो इतने बड़े पंडित राजनीति के हो गए कि बड़े बड़े महापंडित जो नीतीश कुमार के साथ राजनीति की ककहरा और पाठशाला में प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं उन सभी को दरकिनार कर दिया गया। ये सब चर्चाएं एक अलग खाने में जा रही है। लेकिन इस फैसले के साथ नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं कई रास्ते खोल दिए तो कई रास्ते बंद भी कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार को इतना आसानी से समाजवाद की इस धारा को बंद करके बाहर निकलने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव देंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न के साथ हम इस खबर को आपके सामने रखने आए। लगातार आरसीपी सिंह के चयन पर कई तरह से कई जगह से कई क्षेत्रों से लगातार उन पर उन्हें बधाइयां का तांता लगा हुआ है, बधाई दी जा रही है और कई तरह की बातें सामने आ रही है। इन सब के बीच में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बधाई देने वालों में कौन से लोग हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बधाई देने वालों में जो तांता लगा, सबसे पहली बधाई का जो तांता लगा उसमें नीतीश कुमार के बाद अगर किसी ने बधाई दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता थे जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बधाई देने वालों में भूपेंद्र यादव सबसे पहले सामने आए, उसके बाद मंगल पांडे ने बधाई दी। और बधाई देने वालों में जो नाम आते हैं उसमें बधाई देने में कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने भी पहल किया। लेकिन इन बधाइयों में आरजेडी के तरफ से जो बातें सामने आ रही है और कांग्रेस के तरफ से जो बातें आ रही हैं वो बातें निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के लिए पॉइंट आउट करने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात तो क्या नीतीश कुमार ने भाजपा के डर से हथियार डाल दिए हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न के साथ अब कहीं ना कहीं आरजेडी ने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार जी हम आपको समाजवाद की इस धारा को तिलांजलि देने नहीं देंगे। आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप को रख दिया है, नतमस्तक हो गए हैं, हम उसे चलने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं बिहार को हम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने नहीं देंगे। अब इस पे कितना संभव होगी, कितना सफल होगी, ये बातें अलग है। लेकिन कांग्रेसी विचारधारा और कांग्रेस के लोगों का नीतीश कुमार के इर्द गिर्द होना, आपको पता है कि जदयू में वही लोग हैं। जदयू कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है कि जिसमें स्वतः कार्यकर्ता पैदा होते हैं। पिछले 15 सालों में जिस तरह से जदयू ने अपने आप को दिखाया है, प्रदर्शन किया है, और लगभग 2 दशक की पार्टी है, 2 दशक की इस पार्टी में अक्सर जो लोग जुड़े हैं वो किसी न किसी दल से आए हैं, तो विचारधाराओं का भी अंतर होना है। सबसे पहली बात तो समाजवाद की जिस विचारधारा को लेकर के जदयू का यानी जनता दल का गठन हुआ था उससे कई खेमे निकले, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, कांग्रेस भी है, वही कांग्रेस में कई लोग हैं, कांग्रेस के कई नेता टूट करके आए हैं, वही आरजेडी भी है,
इसके अलावे और भी कई दल इसमें से निकल करके सामने आए हैं, जिसमें लोजपा भी है। इन सारे दलों को अगर मिला लिया जाए तो जदयू का अपना क्या है, तो जदयू का अपना सिर्फ नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार भी अब जब किनारे कर लेते हैं और गैर राजनीतिक व्यक्ति को जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी रहा है, उन्हें प्रशासन चलाने की का अनुभव रहा है, वैसे व्यक्ति के हाथ में पार्टी का कमान देकर के जो संदेश दिए हैं, उस संदेश ने बहुत सारी बातों को विराम दे दिया है। पहला विराम तो यह है कि अब बातचीत के जो रास्ते खुले हुए थे वो कहीं ना कहीं अब अवरुद्ध होते दिख रहे हैं। एक हर्डल सामने आ गया है और वो हर्डल भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहा है। इस हर्डल से कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव में पार्टी ने जिस तरह से एग्रेशन दिखाया था कि वो बंगाल चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी, उस पर विराम लग गया है, क्योंकि संवादहीनता अब बंगाल में राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर के साथ तो नहीं होगी। ये बात यहां तय हो जाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आरसीपी के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं, और प्रशांत किशोर ने पार्टी भी छोड़ा था तो आरसीपी के कारण ही छोड़ा था, क्योंकि संगठन पर उनका पकड़ बढ़ता जा रहा था और आरसीपी ऐसा नहीं चाहते, तो उनका खेमा उनके विरोध कर रहा था। तो एक बात तो यह है कि बंगाल वाली बात अब आप भूल ही जाइए, कि वहां भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मौनी हो गई है कहीं ना कहीं जदयू। दूसरी तरफ जो एक संवाद बढ़ रहा था नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच, एक संभावनाएं थी, उस संभावनाओं पर भी कहीं ना कहीं आरसीपी के चयन से विराम लग गया है। लेकिन अभी भी संभावनाएं बहुत सारी हैं। आरसीपी भले ही संगठन के प्रमुख बन गए हों, जदयू के प्रमुख बन गए हों, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो या तो राजनीतिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आज भी समाजवाद को जिंदा रखने के लिए ही वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे। जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने आप को दरकिनार करके आरसीपी सिंह के हाथ में दिया, एक रास्ता और खुलता है जिसमें समाजवादी विचारधारा के बहुत सारे लोग शिफ्ट होकर के फिर से लालू की धारा और पुराने जनता दल का एक सांगठनिक रूप से वैचारिक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, और इसकी संभावनाएं भी प्रबल होती जा रही हैं। जहां एक तरफ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने इस बात को मजबूती से कहा है कि हर हाल में वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही करते रहेंगे, और उस विरोध की राजनीति करने वालों में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, केसी त्यागी के बयान से कल ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा नाराज थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाह रहे थे, उस जवाब में कहीं ना कहीं एक अवरोध और विराम आ गया है, और इस विराम को वो पहचान नहीं पा रहे थे। देखना होगा कि जो नई धारा चल पड़ी है इसमें अब जो फैसले हुए हैं, उस फैसले के पीछे मजबूरी थी नीतीश कुमार की, या फिर वो चाहते हैं कि इस पार्टी का कमांडर जो फैसले ले, उस फैसले से पार्टी या तो स्थिर रहे या फिर उनकी कुर्सी बची रहे। देखना होगा कि कुर्सी बचती है या पार्टी बचती है, या फिर आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन एक धारा तो निश्चित रूप से विरोध में खड़ी हो गई है, और ऐसे लोगों को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कई लोगों ने बहुत देर किया इस बात को पचाने में कि आरसीपी पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। बहुत लोगों ने बहुत देर करके सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई है और उन्हें बधाई दिया है। देखना होगा कि अब आने वाले समय में जदयू का किस तरह से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता निकलता है, या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से उस चौराहे पर से अलग अलग दिशा में जदयू चलती है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। सवाल बड़ा है, और इस सवाल के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं। आपके पास कोई जवाब हो तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसे तो मैदान छोड़ करके जाने न तेजस्वी यादव देंगे, न लालू प्रसाद देंगे, और न ही अन्य लोग। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।